वाराणसी का रुख कर लेते, नीतीश पांडे वहां से लगातार बने हुए। नीतीश अब तो पहुंचने शुरू भी हो गए होंगे, कार्यकर्ता पहुंच भी गए होंगे लगभग, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। तस्वीरें भी दिखाई और बताइए कितनी हलचल शुरू हो गई है वहां पर, बताएं। कुछ ही वक्त शेष और है, और कुछ ही वक्त को शेष रखते हुए यहाँ पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं की आप देख रहे हैं लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, और इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना है। गोकुल जी, किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था और कितनी तैयारियां और किस तरह का जोश? ये पूरे प्रदेश में लगभग 403 विधानसभा सीटों पर आज मोदी जी स्वयं संवाद कर रहे हैं वर्चुअल माध्यम से, और इस विधानसभा में चूँकि काशी से मोदी जी सांसद भी हैं, इसलिए बड़ा ही उत्साह है यहाँ पर लोगों में, जो लोग कि मोदी जी को सुनने के लिए आ रहे हैं। जिस प्रकार से आत्मनिर्भर पर आज बजट के बाद मोदी जी का संबोधन हम लोग को प्राप्त होगा, इसलिए आज बड़ा ही उत्साह है। अभी 11 बजे से मोदी जी संबोधन करेंगे, 11 बजे से संबोधन, और कैंट के विधायक भी मौजूद हैं। सौरभ जी, जोश दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में, जिस तरह से हमने देखा बाहर से लेके और अंदर तक लगातार सब, तो किस तरह का? और कह रहे हैं कि पूरब से पश्चिम को भी साधा जाएगा, और पूरी तरह से जोशीले अंदाज में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे, जो कार्यकर्ता है वो आ चुके। काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी पहले से थी, और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र होने के नाते राजनैतिक राजधानी भी बन चुकी है। काशी से जो दिशा मिलती है वो पूरे देश में जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होता है तो हम कार्यकर्ताओं में उत्साह स्वाभाविक है, क्योंकि वही हमें दिशा देते हैं। ये जो तैयारी है 8 विधानसभाओं में, कहा जा रहा है बूथ स्तर पर भी इसको दिखाया जाएगा, ऐसे में कितने कार्यकर्ताओं को एक जगह बुलाया? यहाँ सिर्फ व्यापारी बंधु और कुछ प्रमुख कार्यकर्ता आ रहे हैं, बाकी छोटे माइक्रो लेवल पे ये अलग से हो रहा है कार्यक्रम, यहाँ सिर्फ प्रमुख कार्यकर्ता और व्यापारी बंधु आएंगे। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, कोरोना का इस पूरी की महामारी भी है, चुनाव भी है, और इस बीच में प्रधानमंत्री का लगातार संबोधन, तो उम्मीदें क्या है? आज प्रधानमंत्री का कौन सा मंत्र मिलने वाला है? देखिए, कोरोना इस बार पहले से कमजोर पड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी वैक्सीनेशन कराया है, वैक्सीनेशन कराने के कारण कोरोना का असर बहुत कम है। और हम लोग ठीक है नीतीश, कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पीएम मोदी को सुनने के लिए वो हमेशा ही जोश में दिखाई देते हैं, और आज मौका है बजट आत्मनिर्भर भारत पर बात करने का, लेकिन निगाहें होंगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किले पर। आप रहिए हमारे साथ, देहरादून से विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई है, कैसे वहां पर कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को पीएम मोदी का संबोधन सुनाया जाएगा, बताएं। देखिए, तैयारी पूरी हो चुकी है, और मैं तस्वीरें दीपा आपको दिखाऊं। सबसे पहले ये एक राजधानी देहरादून का निजी होटल है, थोड़ी देर बाद में इसी जगह से तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर जुटेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हों, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हों, और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे साथ में इस आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बारे में हम पूर्व सांसद भाजपा के हैं बलराज पासी जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आज का कितना इम्पोर्टेंट ये इशू है और कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, उसी को लेकर जो है बजट पेश किया, और ये एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, और मैं समझता हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना, गांव, गरीब, किसान, मजदूर और रोजगार परक ये बजट है, और निश्चित रूप से इसका, इस बजट का जो बहुत बड़ा जो है देश को लाभ होने वाला है। सर, अभी चुनाव भी है, चुनावी दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण आज का पीएम साहब का संबोधन होगा? नहीं, निश्चित रूप से चुनाव चल रहे हैं और इसका पूरा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो है पूरे देश के लिए बजट पेश किया है, और ये बजट जो है उत्तराखंड के लिए भी लाभदायक होगा। इस क्षेत्र में जो है हमारी बहुत सी योजनाएं जो भारतमाला के अंतर्गत जो है रुकी हुई हैं वो पूरी होंगी, और उसका उत्तराखंड के लोगों को जो है लाभ मिलेगा, और यहां लगातार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। वक्त बहुत कम बाकी है, पीएम मोदी जब आएंगे तो सुनाएंगे वहां पर, दर्शकों को भी बताएंगे कि आ चुके हैं पीएम मोदी, और आम लोगों के लिए जो वहां पर इंतजाम किए गए हैं वो लगातार हम दिखाई रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए भी, और विस्तार से वहां का हाल बताने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। 11 बजे संबोधन शुरू हो जाएगा बजट को लेकर, आत्मनिर्भर भारत को लेकर तो बोलेंगे, लेकिन याद रखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किले पर सीधी नजर है, किस तरीके से किला फतेह हो यही कोशिश है।